पर 2:20 पर नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण हो रहा है। अमित शाह आपसे थोड़ी देर पहले अहमदाबाद पहुंचे हैं, आप तस्वीरें देखिए, अमित शाह अहमदाबाद पहुंच चुके हैं, शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। जानकारी ये भी है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए पहुंच सकते हैं। 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की बात सामने आ रही है। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने आप देख सकते हैं, गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचे हैं, उनका स्वागत किया गया है। उनको रिसीव करने के लिए तमाम जो लीडर वहां पर वो पहुंचे हुए हैं। गुजरात के तस्वीरें आप देख सकते हैं और इस शपथ ग्रहण समारोह में कई दिग्गजों के शामिल होने की खबर सामने आई है। खबर ये भी है कि यहां पर पहुंचेंगे शिवराज सिंह चौहान भी, भूपेंद्र यादव भी यहां पर मौजूद होंगे, प्रहलाद जोशी भी यहां पर मौजूद होंगे, नरेंद्र सिंह तोमर भी होंगे। देखिए, खुद यहाँ पर अमित शाह को रिसीव करने के लिए पहुंचे हुए हैं, आप देख रहे हैं भूपेंद्र पटेल को, भूपेंद्र पटेल खुद अमित शाह को एयरपोर्ट रिसीव करने के लिए पहुंचे। ये तस्वीरें देखिए, गुलदस्ता भेंट करके उनका स्वागत किया है, उनके आगमन किया है एयरपोर्ट पर, उनको रिसीव करने के लिए खुद पहुंचे हुए हैं भूपेंद्र पटेल। ये तस्वीरें आपके सामने, तो ये इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ी तस्वीर, भूपेंद्र पटेल के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं गृहमंत्री अमित शाह। और लगातार पिछले कुछ दिनों में अमित शाह का दौरा हुआ, पहले उसकी निजी वजहें बताई गई, लेकिन उसके बाद यह तस्वीर साफ हुई कि संगठन की बैठक, आरएसएस की बैठक और उसके बाद जो तमाम फीडबैक्स मिले थे उसके आधार पर नेतृत्व परिवर्तन। गुजरात में भूपेंद्र पटेल पहली बार विधायक बने जब आनंदीबेन पटेल ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था, तब 2017 में चुनाव लड़े, पहली बार विधायक बने और पहली बार में ही सीएम की कुर्सी तक पहुंच गए। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर, आज सुबह से जो मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ है, भूपेंद्र पटेल से मुलाकात की है वहां के नेताओं ने, खुद नितिन पटेल के घर पर पहुंचे हुए थे भूपेंद्र पटेल मुलाकात करने के लिए, इसके बाद स्वामीनारायण मंदिर भी पहुंचे हुए थे दो। और जो दूसरी तस्वीर है आपसे ठीक थोड़ी देर पहले की तस्वीर है, जब अहमदाबाद पहुंचे हैं गृहमंत्री अमित शाह, उनको वहां पर रिसीव किया गया है और अब वहां से पहुंचेंगे राजभवन जहां पर शपथ ग्रहण होना है भूपेंद्र पटेल का गुजरात के नए मुख्यमंत्री के तौर पर। तो निश्चित तौर पर नगर पालिका के स्तर से लेकर इनकी राजनीति करियर की शुरुआत हुई और आज कैसे राजनीति में शीर्ष पद पर अब पहुंच चुके हैं वो पूरब पटेल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। पूरब, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? समय था 2:20 का, अमित शाह अभी पहुंच चुके हैं शपथ ग्रहण समारोह को लेकर, क्या कुछ और जानकारी है आपके पास, क्या अपडेट पूरब? बिल्कुल, देखिए, गुजरात के नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की शपथ विधि आज 2:20 में गांधीनगर राजभवन में है। उसके चलते आज देश के गृह मंत्री और गांधीनगर से सांसद अमित शाह अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचे हैं। यहां से वो जाएंगे सर्किट हाउस और उसके बाद सीधा 2:20 पर राजभवन पहुंचेंगे। मैं आपको बता दूं कि भूपेंद्र पटेल की शपथ विधि में कर्नाटक, गोवा, हरियाणा और असम के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे, साथ में प्रदेश अध्यक्ष सी आर पाटिल होंगे। मैं आपको बता दूं कि आज सवेरे से ही जो भूपेंद्र पटेल है उन्होंने कई मंदिरों के दौरे किए, साथ साथ जो गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल उनके घर सवेरे गए, उसके बाद वो विजय रूपाणी के घर पर भी पहुंचे, स्वामीनारायण संप्रदाय के जो मंदिर है वहां पर भी माथा टेका। तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ आज भूपेंद्र पटेल को गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ दिलवाई जाएगी, क्योंकि अभी की बात की जाए तो जामनगर में पूरब एक जानकारी मुझे दीजिए। मनोहर लाल खट्टर तो खैर तस्वीरों में दिखाई दे गए, अमित शाह के साथ ही शायद पहुंचे हुए हैं अहमदाबाद। नितिन पटेल ने यह कहा था कि वो एयरपोर्ट पर जाएंगे रिसीव करने के लिए, जितनी तस्वीरें हमने देखी उसमें तो दिखाई नहीं दिए, जानकारी क्या है? बिल्कुल, पूरे कैबिनेट को इनवाइट किया गया था अमित शाह के साथ साथ, लेकिन बताया ये जा रहा है कि नितिन पटेल नहीं पहुंच पाए थे किसी कारणवश, लेकिन आज सवेरे उन्होंने साफ किया था मीडिया के सामने वो आए थे कि वो नाराज नहीं है भारतीय जनता पार्टी। नहीं, एयरपोर्ट पहुंचे कि नहीं नितिन पटेल? मैं बता रहा हूँ, एयरपोर्ट नहीं पहुंच पाए थे नितिन पटेल किसी कारणवश, क्योंकि ना ही उनकी गाड़ी दिखाई दी, ना ही उनका काफिला दिखाई दिया, ना ही अमित शाह और जो भूपेंद्र पटेल एयरपोर्ट पहुंचे थे ना ही उनके साथ दिखाई दिए। तो नाराजगी कहीं ना कहीं है, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि पार्टी ने उन्हें बहुत कुछ दिया है और वो नाराज नहीं है, आने वाली सभी जिम्मेवारियों को वो निभाने के लिए तैयार है। लेकिन मन में जरूर एक कशक बची हुई है कि आखिरकार दो बार वो गुजरात के मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। शपथ ग्रहण में तो पहुंचेंगे ना पूरब, चलते चलते एक और जानकारी दे दीजिए। बिल्कुल, 2:20 पर शपथ ग्रहण है और निमंत्रण उनको भी यही गया है। अब देखना ये होगा कि वो शपथ ग्रहण में पहुंचते हैं या नहीं, अगर नहीं पहुंचते हैं तो साफ साफ तौर पर वो नाराज है ये ऐसा साबित हो जाएगा।